हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स, क्लास फोर्थ ईवीएस से। इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। उत्तरांचल में एक जगह है जहाँ पर हर जगह फूल दिखाई देते हैं। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसको क्या कहते हैं, इस जगह को वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। हिंदी में इसको फूलों की घाटी कहते हैं। इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस व्हाइल इन अदर्स वन फाइंड्स वाइट फ्लावर्स पीपिंग आउट बिटवीन द स्टोन्स। जो फूल है वहाँ पर कुछ जगहों पर एक तरफ तो रेड कलर के फ्लावर दिखाई देते हैं खिले हुए झाड़ियों के ऊपर, और दूसरी तरफ जो इस पत्थरों से झाँकते हुए वाइट कलर के फ्लावर्स जो हैं दिखाई देते हैं। देयर आर वाइड एरियाज कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स, और बहुत बड़े एरिया में जो है कारपेट, जैसा कारपेट होती है ना उसी तरह से बिछे हुए पूरे येलो कलर के फ्लावर्स दिखाई देते हैं, चमकीले ब्राइट। एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टिन स्टार्स बिटवीन द ग्रास, और कहीं कहीं पर जो है ब्लू कलर के फ्लावर्स दिखाई देते हैं शाइनिंग बिल्कुल स्टार की तरह घास के ऊपर, घास में ना तो बिल्कुल ब्लू कलर के स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं। ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम, और सब कुछ ये देखने में बिल्कुल एक सपने जैसा लगता है, सुंदर सपना। डज नॉट इट, सपना नहीं है क्या ये? Yes, because like a dream, these flowers blooms only for a few weeks in the year. बिल्कुल सपने की तरह ये फूल जो हैं पूरे एक साल में कुछ ही सप्ताह के लिए खिलते हैं। यहाँ पर ऊपर जो है ना नेम उत्तरांचल दिया हुआ है, अभी इसको उत्तराखंड कहते हैं। यहाँ पर एक डिज़ाइन के बारे में बताया गया है, फ्लोरल डिज़ाइन बॉक्स में जो बना हुआ है। दिस डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी, इसको जो है मधुबनी कहा जाता है। इट इज़ ए वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, ये जो है बहुत ही पुरानी आर्ट है फोक आर्ट की। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी, क्या आपको पता है इसको मधुबनी कहते क्यों हैं? देर इज़ ए डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी, बिहार में जो है मधुबनी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। हेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन द वॉल्स ऑफ हाउसेज ऑफ देयर कोर्ट यार्ड्स आर पेंटेड विथ सच पिक्चर्स। बिहार में क्या होता है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कोई खुशी का मौका होता है तो जो दीवारें होती हैं घर की और या आंगन जो होता है उसको पेंट किया जाता है इन पिक्चर्स के साथ। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर राइस इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड, ये जो पेंटिंग करी जाती है ना ये की जाती है जो चावल होते हैं उसको पीस करके उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर उसमें जो है कुछ कलर्स मिक्स किए जाते हैं। द कलर्स यूज इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू, जो इसमें कलर यूज़ किए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग में ये बहुत ही स्पेशल होते हैं। इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है इंडिगो का, इंडिगो कहते हैं नील को, टर्मरिक का, हल्दी का, और कलर्स फ्रॉम द फ्लावर्स एंड ट्रीज, और उसमें से जो कलर होते हैं वो फ्लावर्स से और ट्रीज से लिए जाते हैं, आर यूज जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स ट्रीज फ्लावर्स बर्ड्स एट्सेट्रा, जो ये पेंटिंग होती है ना इसमें ह्यूमन बीइंग्स बनाए जाते हैं, एनिमल्स बनाए जाते हैं, ट्रीज बनाए जाते हैं, और फ्लावर्स या फिर बर्ड्स भी बनाए जाते हैं, हर तरह की इसमें पिक्चर बनाई जाती हैं। ये कुछ फ्लावर्स की पिक्चर दी गई हैं, इसको आइडेंटिफाई करना है आपको कि इसमें से ये कौन सा फ्लावर है। देयर आर सो मैनी यूजेस, फ्लावर्स आर इवन ईटन, जो फ्लावर्स होते हैं उसके बहुत से यूज़ होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं खाए भी जाते हैं। इसमें जो है कुछ डिफरेंट यूज़ होते हैं फ्लावर्स के जो हमारी डेली लाइफ में किए जाते हैं। डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल, क्या आपको पता है कि जो फूल हैं उनको खाया भी जाता है। मैनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल्स, और कई इस तरह के फूल होते हैं जिनको सब्जी के लिए जैसे पकाया जाता है सब्जी के रूप में। इन उत्तर प्रदेश फिरोज़ा एंड नीलिमा एंजॉय ईटिंग ए वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर्स, यहाँ पर फिरोज़ा और नीलिमा की बात की गई है, वो दोनों जो है उत्तर प्रदेश में कचनार फ्लावर्स को जो है सब्जी की तरह खाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जो है कचनार फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है सब्जी के रूप में। इन केरला यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक ए वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स, और केरला में क्या करते हैं लोग, वेजिटेबल बनाते हैं बनाना फ्लावर्स से। ममता एंड ओम अमर ओम जो हैं हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकौड़ाज मेड ऑफ सैजन फ्लावर्स, और जो ममता है और ओमर है वो महाराष्ट्र में, उनको जो है सैजन फ्लावर्स से जो है पकौड़े बने हुए उनसे वो बहुत प्यार करते हैं, यानी उन्हें बहुत पसंद है। आर फ्लावर्स किक्ड इन योर होम एज ए ड्राई वेजिटेबल, ए ग्रेवी डिश और ए चटनी
फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज फॉर दीज. आपको अपने आसपास घर के पास देखना है कौन से ऐसे ड्राई वेजिटेबल्स हैं या फूलों से कोई ग्रेवी बनाई जाती है या डिश बनाई जाती है या चटनी बनाई जाती है. तो अगर ऐसा होता है तो आप उन फ्लावर का यूज़ कैसे करते हैं, तो आपको है इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है. फ्लावर्स इन मेडिसिन. जो फ्लावर होते हैं ना, इनका यूज़ जो होता है कई तरह की दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ होता है. क्या आपको पता है ऐसे किसी फ्लावर्स का नेम? देखिए, गुड़हल और हरशिंगार ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका यूज़ जो है मेडिसिन बनाने में होता है. कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स. कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, ज़िनिया एक्सेट्रा. दीज कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लॉथ्स. जो कलर्स होते हैं ये कई फूलों से बनाए जाते हैं, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, गेंदा, ज़िनिया है. और जो है इन जो कलर्स का यूज़ किया जाता है वो कपड़ों को डाई करने में भी किया जाता है. तो फ्लावर्स के देखिए आप कितने सारे यूज़ होते हैं. और जो फ्लावर्स होते हैं ना, इनसे जो है रेसिपी भी बनाई जाती है. यहाँ पर एक रेसिपी के बारे में बताया गया है. यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनीज ओल्ड रेसिपीज विच आर यूज फ्लावर्स. हेयर इज़ ए रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज़ यूज. यहाँ आपने कभी अपनी दादी माँ की पुरानी जो रेसिपी हैं उनके बारे में सुना है जो कि फूलों से बनाई जाती हैं. यहाँ पर एक रेसिपी की बात की गई है जो कि रोज़ वाटर उसमें यूज़ होता है. ग्रैनीज रेसिपी, मिक्सड इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन. दो पार्ट, इक्वल पार्ट में रोज़ वाटर लेना है और ग्लिसरीन लेनी है. फिर उसको क्या करना है, एक बोतल में फिल कर देना है. उसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं लेमन जूस की मिला देनी है. और विंटर में जो क्या करना है, इस मिक्सर को अपनी स्किन पे लगाना है. इससे क्या होता है, जो स्किन होती है उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होते और ड्राई भी नहीं होती. तो आप लोग इसको भी ट्राई करना. नेक्स्ट हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ ओपनिंग ए स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र. क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है जब आपने कोई भी छोटी बोतल ओपन करी हो इत्र की, कि कैसी स्मेल आती है? डू यू नो इवन ए स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज़ मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स. छोटी सी जो बोतल होती है इत्र की, उसमें उसको बनाने में बहुत से फ्लावर्स का यूज़ होता है. और जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वो इत्र के लिए फेमस है. ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फ्रॉम फॉर दिस पर्पज. और जो ट्रक भर करके बहुत से जो आसपास के एरियाज हैं कन्नौज में, वहाँ लाए जाते हैं लोड करके फ्लावर्स. इत्र, रोज़ वाटर, केवरा वाटर एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स एयर. वहाँ पे जो है इत्र, रोज़ वाटर और केवरा जो है, केवरा वाटर, ये प्रिपेयर किया जाता है फ्लावर्स से. थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर इंगेज इन दिस वर्क. और जो कन्नौज में हजारों लोग जो हैं इसी वर्क में जो है इंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं. आपको जो है मैप में उत्तर प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र को ढूंढना है और प्योर इत्र के बारे में भी डिस्कस करना है. यहाँ पे एक पोयम दी हुई है. अच्छी मालन मेरे बनने का बना ले सहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरे मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बना ले सहरा. यहाँ पे बन्ना की बात की गई है. बन्ना कहते हैं दूल्हे को. ऑफ कोर्स जो फ्लावर्स होते हैं उनके बहुत से यूजेस होते हैं और उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत से फ्लावर्स की ज़रूरत भी पड़ती है. फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेस. जो फूल होते हैं वो बहुत से प्लेसेस में उगाए जाते हैं. अमेजिंग फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स टुगेदर, हाउ ब्यूटीफुल. बहुत दूर दूर तक अगर फूल खिले हों तो कितना सुंदर लगता होगा. लेट अस नो सम मोर. आप कुछ और जानते हैं? हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एवरीवेयर. क्या आपने कभी किसी फूल वाले को देखा है फूल बेचते हुए? इफ़ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाई, आस्क देम. कुछ क्वेश्चंस पूछने की बात की गई है कि ये फूल वो कहाँ से लाते हैं, कहाँ बेचते हैं, और उनको नेम बताएंगे थ्री फ्लावर्स के, और उन फ्लावर्स को वो कहाँ से लाते हैं, फूलों को कहाँ से लाते हैं. और एक चीज़ आपके लिए जानकारी के लिए बता दूँ कि जो फूलों की खेती होती है ना, उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं. इसके अलावा यहाँ पर कुछ पिक्चर बनी है फूलों की, तो आपने उनके नेम बताने हैं. आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी. और आप इसको लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.